नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नई सूचना जारी की गई, यानी आपातकालीन नीलामी होने जा रही है, जिसको लेकर के नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, यानी कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग आपातकालीन नीलामी सूचना। ठीक है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, यानी अच्छा खासा गाड़ी खरीदना चाहते हैं कम दाम में, तो कैसे आपको खरीदना है, क्या क्या इसको लेकर यानी टर्म कंडीशन रखा गया है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नोटिफिकेशन में पूरी फॉर्ड का देख लाएंगे और कितनी गाड़ियां हैं इस नीलामी में वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर वही नोटिफिकेशन देख रहा है, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, बताया गया आपातकालीन नीलामी सूचना। ठीक है, अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और सारी बात जानकारी समझते हैं। बताया गया, देख सकते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना के विभागीय वाहन यानी 3 अदत निष्प्रोजित घोषित वाहन के रद्दीकरण हेतु वाहन की खुली नीलामी दिनांक 24 मार्च 2023 को 12 बजे अपराह्न में नया सचिवालय विकास भवन सभागार जहां है जैसे हैं के आधार पर पंचायती राज विभाग बिहार पटना में की जाएगी। उक्त वाहनों के विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, यानी जो भी जानकारी दिया गया, जो भी आपका नीलामी होगी, यानी कि खुली नीलामी होगी, जो कि 24 मार्च 2023 को 12 बजे अपराह्न में, यानी जो बोलते हैं दोपहर में, नया सचिवालय विकास भवन सभागार में होगी। जो भी बताएगा जहाँ है जैसे, जो भी गाड़ी है जहाँ है जैसे के आधार पर ही होगी पंचायती राज विभाग पटना में, उक्त वाहन की जानकारी जो नीचे दिया गया। ठीक है, यानी जो भी आपका यानी कि नीलामी होगी 24 मार्च को होगी, जो कि 12 बजे होगी, इसमें बताया गया। सबसे पहले बताया गया दोस्तों, वाहन का निबंधन संख्या बताया गया, वाहन का मॉडल और वाहन का कुल परिचालन और वाहन का प्रकार और न्यूनतम निर्धारित मूल्य बताया गया। ठीक है, हम आपको बताए, जो भी पंचायती राज विभाग की तरफ से नीलामी हो रही गाड़ी, उसमें 3 ही गाड़ी दिया गया, देख सकते हैं आपको दिखलाई दे रहा, 1, 2 और 3 यानी गाड़ी दिया गया। गाड़ी का नंबर यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन हम डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर ही देखना चाहते हैं तो ये गाड़ी का नंबर होगा, उसका मॉडल नंबर है, ये गाड़ी के जो पहले गाड़ी का जो बताया गया BR1H 3002 बताया गया, मॉडल जो 2008 का है, जो कि वाहन का कुल परिचालन बताया गया है, यानी जो गाड़ी चली हुई है, जो देख सकते हैं 149,265 किलोमीटर चली हुई है, देख सकते हैं, यानी बताया गया 149,265। प्रकार बताया गया तो एम्बेसडर कार है, जो भी ये गाड़ी चली है यानी एम्बेसडर कार है, जो कि न्यूनतम मूल्य इसका इतना रखा गया है। दूसरा नंबर है जो कि मॉडल संख्या बताया गया 2011 का मॉडल है, जो कि 1,744 किलोमीटर चली है, जो कि एम्बेसडर कार ये भी है, इसका मूल्य इतना रखा गया। उसके बाद ये जो तीसरे नंबर गाड़ी है, ये मॉडल नंबर 2011 है, जो कि इतना चली है, और स्कॉर्पियो जो कि इतना, यानी इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी मूल्य भी इसका रख दिया गया है, इतना भी आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात कर दे सकते हैं, नीलामी की जाने वाली वाहन विकास भवन नया सचिवालय पटना में खड़ी है, यानी अगर आप देखना चाहते हैं जो भी गाड़ी है, यानी 3 गाड़ी इसको देखना चाहते तो ये कहाँ पे खड़ी है, तो देख सकते हैं, नीलामी की जाने वाली वाहन विकास भवन नया सचिवालय पटना में खड़ी है। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में आकर वाहन का भौतिक रूप से देख सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, तो ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं, जो कि आप गाड़ी कहाँ है, तो विकास भवन नया सचिवालय पटना में खड़ी है। इच्छुक व्यक्ति आप कोई भी दिन जाकर अपना वाहन देख सकते हैं और भौतिक रूप से देख सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कैसा कार है, क्या है, आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर बताया गया, अगर आप इसमें टर्म कंडीशन क्या रखा गया, बताया गया है नीलामी की कार्यवाही विकास भवन नया सचिवालय में अवस्थित पंचायती राज विभाग बिहार पटना के सभागार में संपन्न की जाएगी, यानी यहाँ पे संपन्न होगी, यानी जो भी नीलामी होगी वहाँ। दूसरे में बताया गया, वाहन की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति यानी वाहन संख्या यानी इतना और इतना, अगर आप ये नंबर वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, यानी BR1H 0 जो बताया गया पहले वाली जो गाड़ी एम्बेसडर कार है, यहाँ ये वाला गाड़ी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 500 रुपया वाहन संख्या इतना लेना चाहते हैं, तो 250 रुपये 2500। उसके बाद वाहन संख्या इतना ये वाला गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 10,000 नगद राशि के नीलामी प्रारंभ होने के पहले उसी तिथि को पंचायती राज विभाग के रोकड़पाल के पास जमा करना हो। ठीक है, यानी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, इसका अलग अलग मूल्य, ये वाले नंबर का गाड़ी लेना चाहते हैं तो 500 रुपया आपको देना होगा सबसे पहले, अगर ये वाले गाड़ी नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इतना देना होगा, और ये वाले गाड़ी लेना चाहते हैं तो नीलामी की कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत असफल डाक बोलने वाले वोंडर को अग्रतन नगद राशि तुरंत वापस कर दिया जाए। यानी इस गाड़ी के, इस वाली जो फॉली गाड़ी बताई, इसमें 10 व्यक्ति अगर
बोले हैं, और जितने जितने जो भी व्यक्ति यानी सबसे अधिक पैसा देंगे उनको पैसा हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति यानी उसको कम देंगे तो पैसा जमा कर दिए होंगे तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। देख सकते पैसा जमा करना होगा, नीलामी की कार्रवाई संपन्न होने के बाद यानी गाड़ी बिक जाने के बाद जो भी व्यक्ति बचे होंगे उनका असफल व्यक्ति डाक बोलने वाले व्यक्ति को बोंडर के अग्रता राशि का तुरंत वापस कर दिया जाएगा तथा सफल डाक बोलने वाले वंडर को राशि फुल राशि जमा करके समायोजन की जाएंगे। ठीक है, आपको फुल राशि जमा कर देना है और आपको गाड़ी मिल जाएगी। बताया तीसरा नंबर है नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की सोय प्रमाण पत्र छाय पत्र कार्यालय में जमा करना हुआ तथा इसका इसकी मूल्य प्रति साथ में रखेंगे। ठीक है, यानी जो भी आपका भाग लेने वाला है तो जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है उसका जीरोक्स कॉपी आपको कार्यालय में जमा करना होगा। और उसके बाद चौथे नंबर बताया जैसे तो अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को वाहन नीलामी में दी जाएगी, वाहन जिस स्थिति में खड़ी है उसी स्थिति में नीलामी की जाएगी। ठीक है, यानी कि अधिकतम भी जो बोलेंगे व्यक्ति पैसा बोलेंगे इतना पैसे ही देंगे तो उतना पैसे अधिकतम यानी 4 लाख दूसरा कोई व्यक्ति हुआ तो 4.5 लाख अगर दूसरा व्यक्ति है आपको गाड़ी जैसी है वैसे ही मिलेगी, कुछ आपको उसमें बनाकर नहीं दिया जाएगा। पांचवा नंबर बताया नीलामी संपन्न होने के बाद सफल डाक बोलने वाले को पूरी डाक राशि का अग्रतन राशि सचिवालय कोषागार पंचायती राज विभाग को 4 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए नीलामी की कार्रवाई रद्द की जाएगी रद्द की जा सकती है। ठीक है, वहीं छठे नंबर है मोटरयान निरीक्षक पटना द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम पर वाहन की नीलामी नहीं की जाएगी। सत्य नंबर बताया कि यह अधिकार सुरक्षित है कि डाक को निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृति अथवा अस्वीकृति किया जा सकता है। इस दिन कारण बताया नीलामी की कार्रवाई को संशोधित कर या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा जानकारी दिया गया है आपके डिस्ट्रिक्ट अवर सचिव पंचायती राज विभाग पटना के द्वारा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।